हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कब सही समय होता है प्रॉफिट बुकिंग का, तो बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुतों लोग जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनका स्टॉक्स पॉजिटिव में होता है, यानी प्रॉफिट में होता है, लेकिन वो सही समय पे अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते, जिसके कारण से उनका स्टॉक्स जो कि प्रॉफिट में था वो नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करता है या फिर एंड ऑफ द डे उनको लॉस बुक करना पड़ता। तो इस वीडियो में वही चीज बताऊंगा कि कब सही समय है आपको प्रॉफिट बुक करने का, ताकि आप सही समय पे प्रॉफिट बुक कर ले और जो लॉस हो रहा आप लॉस को अवॉइड कर पाए। तो इसके लिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हमने अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया और ये जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का। तो इंटरनेट में बहुत सारे ट्रेडर 5 मिनट्स का चार्ट यूज करते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ वो 15 मिनट्स चार्ट को यूज करके बताने जा रहा हूँ किस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना, वो लेवल देख के आप 5 मिनट चार्ट में भी वो अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी ट्रेडिंग करके वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही समय पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करूंगा जो कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है, उसमें हाई और लोएस्ट पॉइंट को मिलाना होता है, पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड आप लेते हैं उस टाइम पीरियड के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को मिलाना होता है, उसके बाद वो रिट्रेसमेंट दिखाता है। तो इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एग्जैक्टली आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। 29th मई का होल ट्रेडिंग सेशन को मैं इसमें कंसीडर करूंगा कि उसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट क्या है। तो 29th मई अगर आप देखेंगे तो 29th मई का मार्केट ओपन हुआ था इस लेवल पे और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है आपका, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। लोएस्ट पॉइंट को हाईएस्ट से मैं मिलाता हूँ, यहाँ पे मैंने मिला दिया और ये जो हुआ डाउन ट्रेड में आया। अब 29th का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट मिलाने के बाद अब मैं आज का मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ पॉजिटिव में, अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, एक तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। दोनों चीज मैं बता रहा हूँ कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना। अब मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ और ट्रेंड भी बता रखा हूँ, लेकिन इसमें मैं वही चीज बताऊंगा कि कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कौन सा लेवल होगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना। तो यहाँ पे अगर आप सेलिंग के लिए जाते हो तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है 100% वाला, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा अगर आप सेलिंग के लिए जाते हो। लेकिन अगर आप बाई के लिए जाते हो तो जो सबसे पहला जो प्रॉफिट बुकिंग होगा वो होगा 61.8% पे। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो 61.8 और 38.2, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद आपका 0%, 50% और 100%, ये तीन भी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो लेवल होता है वो है 61.8 और 38.2। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ इस लेवल पे और ये 61.8 के काफी नजदीक है, तो इतना छोटा हम टारगेट रखेंगे नहीं, तो हम वेट करेंगे मार्केट कब इस लेवल को क्रॉस करता है। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो 38.2% पे मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि होगा 11,896। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाता है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन विदाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बने रहना है तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद बाई करते हैं प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होगा वो होगा आपका ये 11,930 के लेवल पे, तो यहाँ पे आपका सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होगा। अगर आप इसके बाद भी बने रहना चाहते हैं या फिर इसके बाद आप बाई करते हैं तो अगला आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट ये हो जाएगा, जस्ट इसको टच किया उसके बाद नीचे आया, और इसके बाद भी अगर आप बाई करते हैं तो अगला प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट इसके ऊपर होगा, जो कि होगा आपका 11,995 के करीब होगा। लेकिन अगर आप यहां से सेल करते हैं तो उसके नीचे जो आपका लाइन दिख रहा है ये होगा फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे जिसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जा चुका और उसका हो सकता है शायद स्टॉप लॉस भी हिट हो गया हो, तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और एंड ऑफ द डे आपको लॉस बुक करना पड़ा। और ये तो कल के ट्रेडिंग के बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होगा अगर हम बाई सेल या कुछ भी करते हैं तो। और इसमें आप सिंगल डे में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल डे में कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज डेट मैं आज का लेता हूँ 30th May 2019 का लेता हूँ, जो मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पे ओपन हुआ और ये लोएस्ट पॉइंट पे ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट ऊपर गया तो इसको मैं लोएस्ट पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, और इसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट हम कब तक कंसीडर करेंगे, जो मार्केट का ट्रेंड जनरली चेंज होता है वो 130 के करीब चेंज होता है, 130 या उसके बाद चेंज होता है, तो 130 तक हम इसको कंसीडर करेंगे। तो 130 तक यही हाईएस्ट पॉइंट था तो इस पॉइंट पे ले आया।
अब यहाँ पे देखिए, इस लेवल को इसने टच कर लिया। अगर आपको यहाँ से लगता है जो हमें बाई करना चाहिए, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल पे करना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो आपका दिख रहा है ये, यहाँ पे 12,000 के लेवल पे आपका प्रॉफिट बुकिंग करना है। और 12,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट लगता है यहाँ से नीचे जाएगा और आप नीचे के लिए ट्रेड लिए, तो इसके बाद जो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होता है वो होगा 38.2% पे, यानी 11,925 पे। तो इससे पहले भी हमने देखा था, अगर 29 मई के ट्रेड के हिसाब से करते हैं तो यहीं पे मेरा लास्ट जो प्रॉफिट बुकिंग बन रहा था यहीं पे बन रहा था 11,930 के करीब। अगर हम सिंगल डे यानी 30th मई के हिसाब से भी इसमें देखते हैं तो वही लेवल प्रॉफिट बुकिंग बनता है, और कभी कभी वही लेवल को टच करके ये फिर से ऊपर जा चुका। अगर आप इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो, या फिर इंट्राडे ट्रेड है तो आपको एंड ऑफ द डे लॉस में ही हटाना होगा। तो आप इसमें दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक तो कल का हाई और लो पॉइंट को ज्वाइन करके आप आज का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और दूसरा आज का ही यानी 9:30 टू 1:30 का आप हाई और लो लेके उसके बेसिस पे लास्ट 1 या 2 आवर्स में जो भी ट्रेड सेटअप बनता है उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो आज का और हाई लो पॉइंट भी हो गया, और 30th मई के हिसाब से अगर हम कल का प्रिडिक्ट करें तो क्या होगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो अगर आपको इस पॉइंट से लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो जाएगा 11,967 के करीब। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, अगर आप नीचे के लिए ट्रेड लेते हैं तो पहला प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट वहीं पे हो जाएगा जहाँ पे पहले प्रॉफिट बुक हुआ था 11,927 पे। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता तो वो इस लेवल को जरूर टच करेगा, अगर मार्केट ऊपर जाता तो ये इस लेवल को जरूर टच करेगा। अगर आपका स्टॉक्स प्रॉफिट में आता है तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे, वो प्रॉफिट आपका लॉस में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके आप प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट खोज सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।